जब उनकी सरकार में थे तो एक एक जगह जा जा करके और उस सिलसिले में जो कुछ भी किया जा सकता है केंद्र की तरफ से उसके लिए उसका आकलन करने, देखने और वहाँ पर जो काम हो रहा है उसको देखने के लिए हम बराबर जाते थे। तो आपके यहाँ इतना बार हम गए, यानी अपने बचपन के समय से लेकर के अब इधर, तो देख लीजिए 17-18 के बाद थोड़ा सा आई, 20 से हो गया कोरोना, तो इसके बाद तो कहीं जाने का दिक्कत हो गया, एक अलग बात है, लेकिन बराबर जाते रहे। तो आपके राज्य के प्रति, और आपने अलग बनवा लिया उसके बाद भी हम गए हुए हैं, लेकिन बहुत बड़ी बात है। और आप, आपकी जो राजधानी है वो भी बहुत बहुत अच्छी जगह है, और उसको देख करके और बहुत कुछ जानने का और देखने का जो मौका मिला है, बहुत कुछ जानने का अवसर जो मिला, तो इसके लिए बड़ी खुशी की बात है। तो आपका, तो आपके राज्य के प्रति तो हम लोगों के मन में बहुत श्रद्धा है, और आपने ये जो तय किया है और हर तरह से जो इस तरह से आप जो तय करते हैं, जो कुछ भी आप तय किया है, इसके लिए हम आपको, आपका अभिनंदन करते हैं, आपको बधाई देते हैं। और आज का जो ये काम किया, जो गलवान घाटी में शहीद हुए उनके प्रति, और हैदराबाद दुर्घटना में जो पीड़ित हुए उनके परिवार के लिए जो किया आपने, और उसके लिए समय लिया, समय यहाँ के बारे में तय करवाया और आए, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आपका मैं अभिनंदन करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। और अपने राज्य के विकास के लिए जो काम कर रहे हैं, राज्य को बनाना और राज्य का विकास करना, इसके लिए जो काम करते हैं, इसके लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ बिहार में आप आए हैं, आपका मैं स्वागत करता हूँ। और यहाँ पर जो भी आई हुई हैं महिलाएं जिनके परिवार को ये संकट का सामना करना पड़ा है, हम उनके प्रति भी पूरे तौर पर, हम उनका भी यहाँ पर स्वागत करते हैं। और आप सब लोग आए और इन्होंने जो कुछ भी किया है, और एक बात हम आप लोगों को और बता देते हैं, इन्होंने तो किया ही है, और हम लोगों की तरफ से भी यहाँ के बैठे हुए हैं चीफ सेक्रेटरी साहब, हम कहेंगे कि एक बार जरा सबसे ज़रूर मिल लीजिए, अगर उन लोगों की कोई समस्या अपने यहाँ हो तो आप जरा बता दीजिएगा, उसके लिए भी मैं आपको सहयोग करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर सब हमारे पत्रकार मित्र भी बैठे हुए हैं, तो हम तो आग्रह करेंगे, आजकल तो आप लोग पत्रकार हैं तो आप लोगों का तो विचार ठीक है, लेकिन आजकल जो सब जगह कब्जा कर लिया गया है और क्या क्या छपते रहता है, इस सब चीज़ को तो आप जानते ही हैं, इसलिए मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ। और मैं कहूँगा कि आप लोग भी कोई मामूली चीज़ नहीं है, इसलिए आप लोगों को भी चाहिए कि जैसे पहले चलता था न्यूट्रल, निर्दयी एकदम बिल्कुल होकर के चलता था, जो कुछ भी होता था उसे आजकल एक तरफा करने की कोशिश हो रही है, सबकी आलोचना करो और एक की प्रशंसा करो, यही चलता रहता है आजकल, तो ये सब हो गया है। तो ये सब चीज के लिए भी हम आपका भी अभिनंदन करते हैं, इस बात का ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। इस मोटो को लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री हमेशा आगे बढ़ते हैं कि सबका साथ तभी सबका विकास। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी को इस अवसर पर अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए। और अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए सादर अनुरोध है श्री अरविंद चौधरी, प्रधान सचिव श्रम संसाधन विभाग। धन्यवाद सोमा जी। मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद सभा कक्ष में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी से निवेदन है कि धन्यवाद ज्ञापित किया जा रहा है, थोड़ी देर शांति बनाए रखें। माननीय मुख्यमंत्री तेलंगाना का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर आप यहां तक आए। मैं मुख्यमंत्री बिहार का को धन्यवाद देता हूं, वीर शहीदों के प्रति उनकी कृतज्ञता तथा प्रवासी श्रमिकों के लिए हर सहायता के लिए सदैव तत्पर हैं। मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण, मुख्य सचिव एवं सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद देता हूं।